बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वीयू सुप्रीम तालीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ एनिमल इकोलॉजी के टॉपिक नंबर 1 से लेकर 46 तक डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो है एनवायरमेंटल साइंस है और इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास डेफिनेशन है एनवायरमेंट की। एवरी थिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरमेंट और ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ से क्विज आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन है कि ये क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी है, हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। तो उसमें तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। तो ये क्विज में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस की एक और डेफिनेशन है, इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ कनेक्शन बिटवीन अर्थ लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पर ये पास पेपर में क्विज में आया हुआ था जिसका आंसर था ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो उसके गोल्स जो हैं वो क्या हैं कि कैसे नेचर काम करती है, कैसे एनवायरमेंट हमें इफेक्ट करती है और हम एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं और जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको कैसे डील किया जाए। तो इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस की एक फील्ड है जिसका नाम है इकोलॉजी। उसकी डेफिनेशन आ सकती है, इकोलॉजी क्या है जी, स्टडीज ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड विद ईच अदर। एनवायरनमेंट और एक दूसरे से कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, इसको इकोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास आती है जी स्पीशीज, एक टर्म आती है। स्पीशीज क्या होती हैं, ऑर्गेनिज्म विद डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स एंड फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कैन मेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म विद डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स, जिनमें डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स होंगे उनको हम कहते हैं स्पीशीज। और ह्यूमन भी जो है वो एक स्पीशी का ऐसा है जिसका नाम है होमो सेपियन। तो ये भी क्विज में आएगा। नेक्स्ट जो है जो मेजर फोकस है इकोलॉजी का वो है इकोसिस्टम की स्टडी करना। इकोसिस्टम क्या है, सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड एनवायरमेंट ऑफ नॉन लिविंग मैटर एंड एनर्जी। तो ये भी इकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उससे मिलती जुलती डेफिनेशन है, ये भी सेम, ये भी आपने देख लेनी है। नेक्स्ट जो एक टर्म यूज होती है एनवायरमेंटलिज्म, इसको आपने एनवायरमेंटल साइंस से जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। ये जो है एक सोशल मूवमेंट है जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है और ये इसका जो काम है वो पॉलिटिकल और एथिकल एरिना है, यानी ये जो है पॉलिटिकल जो है हमारे पास मूवमेंट है। उसके बाद आगे आ जाए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से, थर्ड टॉपिक हमारे पास। तो सस्टेनेबिलिटी क्या होती है जी, अर्थ्स वेरियस नेचुरल सिस्टम एंड ह्यूमन सिस्टम जो है उनकी एबिलिटी टू सर्वाइव। इसमें तीन चीज़ें हैं, नेचुरल सिस्टम है, ह्यूमन कल्चरल सिस्टम है और इकॉनमीज है, उनकी एबिलिटी जो है वो सर्वाइव एंड अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ से एक क्विज बन सकता है सस्टेनेबिलिटी का। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट आते हैं सस्टेनेबिलिटी के, वो उसमें एक है हमारे पास नेचुरल कैपिटल, उसमें आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आगे और नेचुरल सर्विसेज आगे। तो ये भी क्विज में आएगा कि नेचुरल कैपिटल जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, नेचुरल सर्विसेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं जी, मटेरियल्स एंड एनर्जी इन नेचर। तो ये डेफिनेशन याद कर लेनी है आपने। उसके बाद नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी दो टाइप्स हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रीन्यूएबल में हमारे पास एयर, वाटर, सॉयल और प्लांट्स हैं। तो ये सॉयल जो है ये वाला क्विज में आया हुआ था कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनमें से आपने सर्च करना था, तीन ये दिए हुए थे नॉन रीन्यूएबल और एक ये उसमें आंसर दिया हुआ था, तो ये आपने सर्च कर लेना। इस तरह सेकंड क्विज में उन्होंने कहा था कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स जो है उनको सर्च करें, तो तीन ये दिए हुए थे और एक आपने यहाँ से ये सर्च कर लेना था। आगे आता है नेचुरल सर्विसेज, ये क्या होती है, फंक्शन ऑफ नेचर, नेचर का जो फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल प्योरे वेरिफिकेशन ऑफ एयर और वाटर। आगे जो है इकोसिस्टम के अंदर जो एक और टर्म यूज होती है उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये क्या होती है, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी जो एनिमल है वो डाई करते हैं तो वापस जो है उसके जो केमिकल हैं वो अर्थ के अंदर सॉइल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से फिर जो है जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी रिसाइकल्स केमिकल नीडेड बाय ऑर्गेनिज्म। तो ये नेचुरल सर्विसेज है। आगे नेचुरल कैपिटल हमारे पास है एक और जो है उसको कहते हैं सोलर कैपिटल, ये होती है एनर्जी फ्रॉम सन। तो यही हमारा टॉपिक है अगला, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो वार्म करती है प्लैनेट को और सपोर्ट करती है फोटोसिंथेसिस को,
ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है जिसमें पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। आगे जो सोलर एनर्जी है उससे इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी है, इसी तरह बायोफ्यूल्स वगैरह हो गए। और यहाँ पर हमारे पास आगे टॉप सॉइल जो है, अपर लेयर जो ज़मीन की अर्थ क्रस्ट की है, वो जो है प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स दैट सपोर्ट्स द प्लांट्स। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो हमारे पास मेन जो है वो दो रिसोर्स होते हैं अगर टाइप हम देखें। एक है नेचुरल कैपिटल जिसमें हमारे पास आता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, और एक है सोलर कैपिटल जिसमें हमारे पास सन आता है। आगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है वो है हमारे पास डीग्रेड नेचुरल कैपिटल। तो ये क्या होता है जी, इट इज़ सस्टेनेबिलिटी इज़ टू रिकोगनाइज दैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन डीग्रेड नेचुरल कैपिटल। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो नेचुरल कैपिटल को डीग्रेड कर रही है, यानी हम जो है उसको बहुत तेज़ी से जो उसको यूज़ कर रहे हैं नेचुरल कैपिटल को, तो वो डीग्रेड होता जा रहा है। जिस तरह हम दरख्तों को कटाई कर रहे हैं, इसी तरह फिश जो है ओशन की उनको ज़्यादा जल्दी खा रहे हैं। और आगे जो है एनवायरमेंटलिस्ट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं फाइंडिंग टू द साइंटिफिक सोल्यूशन, और उस पर अमल करवाना किसका काम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। लेकिन ये जो है सोल्यूशन पर जब अमल कराया जाता है तो उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। आगे चलते हैं जी हम ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकली इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सोसाइटी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले हमारे पास टर्म यूज़ होती है, तो ये क्विज में आएगा इंक्रीज इन नेशन आउटपुट, तो आउटपुट आंसर होगा उसका ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है GDP, ये होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो इसको ये क्या होता है जी, ये जो हमारे पास आउटपुट होती हैं ये मेजर की जाती हैं बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन ए कंट्री GDP। GDP की डेफिनेशन क्या है, एनुअल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो जितनी भी कंट्री में सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पर कैपिटा GDP। तो ये क्या होती है, चेंजेस इन कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ पर पर्सन, के पर पर्सन के हिसाब से कितनी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। और GDP जो है वो डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन एट मिड ईयर, तो GDP को मिड ईयर में जो है वो उसको डिवाइड किया जाता है। आगे आगे हमारे पास अगला चीज़ जो है वो है परचेजिंग पावर। तो कुछ कंट्रीज़ की परचेजिंग पावर ज़्यादा है जो कि रिच कंट्रीज हैं बनस्बत उनके जो सेकंड कंट्रीज हमारे पास आती हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये जो होती है ये हेल्प करती है कंट्रीज़ को कंपेयर करने में इकॉनमी। तो यहाँ पर आगे अगर हम देखें पर कैपिटा GDP एंड PPP जो है इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक टर्म बनती है पर कैपिटा GDP PPP। ये क्या होती है, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए कंट्री एवरेज सिटीजन कुड बाय। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड पीपल्स विद मोर गुड्स एंड सर्विसेज, वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इन इकोनॉमिक ग्रोथ को यूज़ करती है टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। आगे यूनाइटेड नेशन जो है उसने कंट्रीज़ को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्री जो है उसमें US वगैरह कैनेडा वगैरह हमारे पास आ गए, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है जो कि सेकेंड कंट्री भी उनको कह सकते हैं उसमें हमारे पास आ जाती हैं जी अफ्रीका की कंट्रीज आ गए, एशिया, लैटिन अमेरिका की, और उसके अलावा दो टर्म्स और यूज़ की जाती हैं मॉडरेटली डेवलप्ड कंट्री और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो जिनकी इनकम बहुत कम है उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में शामिल किया गया है। आगे आ गया जी साइंटिस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जोर दे रहे हैं कन्वेंशनल इकोनॉमिक ग्रोथ पर, कि इंक्रीज इन फूड सप्लाई को इनक्रीज़ किया जाए और स्टिमुलेटेड मास प्रोडक्शन की जाए जिससे इकॉनमी ग्रोथ हो और इससे जो है वो पॉवर्टी ख़त्म होगी। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर जोर दिया जाए। आगे आ गया इफेक्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स ऑन अर्थ। तो इसमें सबसे पहले रिसोर्स आता है एनीथिंग ऑब्टेंड फ्रॉम एनवायरनमेंट, फिर आती है कंजर्वेशन यानी मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आती है जो कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते, उनको जो है सम एफर्ट्स और टेक्नोलॉजिकल इंजेन्यूटी लगाकर उनको यूजफुल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम जो है ये एक मिस्टीरियस फ्लूइड है और
इसको कन्वर्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और फिर उससे गैसोलीन और दीगर ऑयल जो है वो हासिल किए जाते हैं। ये भी क्विज में आ सकता है। आगे आगे सोलर एनर्जी जो है इसको कहते हैं परपेचुअल रिसोर्स, तो ये भी क्विज में आया हुआ था मिड टर्म के पुराने क्विज जो थे उसमें। तो बिकॉज इट इज़ रिन्यूड कंटिन्यूसली, क्यों इनको परपेचुअल कहा जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिन्यूड हो जाते हैं और एटलीस्ट 6 बिलियन ईयर्स जो है इसकी लाइफ है एक्सपेक्ट की जा रही है। और आगे जो है रिन्यूएबल रिसोर्स जो है कैन बी रिप्लेनिश फेयरली क्विकली, तो रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं वो बहुत जल्दी रिप्लेनिश कर जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं और उसके लिए जो है आवर्स टू हंड्रेड ईयर्स दरकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट जो है उसमें आ जाती है एग्जाम्पल उसकी। और आगे जो है सस्टेनेबल यील्ड जो है ये क्या होती है, हाइएस्ट रेट एच विच रीन्यूएबल रिसोर्स कैन बी यूज इनडेफिनेटली विदाउट रिड्यूसिंग इट्स अवेलेबल सप्लाई, कि हम जो है उसको किस कितने हाइएस्ट रेट पर यूज़ करें कि वो रिड्यूस ना हो, कि साथ साथ वो यील्ड उनकी होती रही पैदावार और हम उसको उसी रेट पर हाइएस्ट रेट पर यूज़ करते रहें ताकि वो रिड्यूस ना हो। और फिर आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी हम जो है रेट इंक्रीज कर दें अपना जो है उसको यूज़ करने का रिसोर्स को, एक्सीड कर जाएँ हम उससे जितनी उसकी पैदावार हो रही है। आगे आगे ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ कॉमनली शेयर्ड रिसोर्स, तो इसमें हमारे पास पहली चीज़ आ गई जी रिसोर्स के अंदर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की तीन टाइप्स हैं और उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि इंडिविजुअल या फार्म की होती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आती है वो है सेकंड हमारे पास आती है कॉमन प्रॉपर्टी, तो हेल्ड बाय लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। और थर्ड हमारे पास ओपन एक्सेस जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये कोई भी जो है इसको ओन कर सकता है और अवेलेबल फॉर यूज़ होती है। लेकिन ये जो लास्ट दो टाइप्स हैं ये डिग्रेड हो रही हैं और इसको बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने 1968 में एक नाम दिया था कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, यानी कॉमन जो है ये क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं और ओपन एक्सेस होती है इनकी, तो ये जो है लोग इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे थे तो इसे डिग्रेड होने शुरू हो गए, इसको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहते हैं। उसके बाद आगे आगे हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है ओवर एक्सप्लोटेशन को रोकने का, कि शेयर्ड रिसोर्सेज यानी यूज़ शेयर रिसोर्सेज एट रेट वेल बिलो देयर एस्टिमेटेड सस्टेनेबल यील्ड, उनको एक ख़ास रेट पर यूज़ किया जाए, एक ख़ास स्पीड पर यूज़ किया जाए। उसके बाद टू एस्टेब्लिश लॉज एंड रेगुलेशन, लॉज और रेगुलेशन बनाए जाए, एंटर इंटू एग्रीमेंट्स और यूज़ शेयर रिसोर्सेज एट रेट वेल बिलो देयर एस्टिमेटेड सस्टेनेबल यील्ड। इसी तरह नेशन जो है वो एग्रीमेंट कर लें कि किस तरह ओपन रिसोर्सेज को यूज़ करना है। आगे हमारे पास दूसरी टर्म है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और ये एग्जिस्ट करते हैं फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर, तो ये भी क्विज में आएगा। और इनको बनने में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और इनको हम यूज़ जो है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स में ख़त्म कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और आगे आ गया सच एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज इंक्लूड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज। तीन जो है रिसोर्सेज इसके अंदर आते हैं नॉन रिन्यूएबल के अंदर, उसकी तीन टाइप्स आगे आ गए। आगे आ गया जी हम इन पर डिपेंडेंस कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो हम मिक्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हम कुछ मिक्स एनर्जी जो है वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, इस तरह विंड हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इस तरह रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग क्या है, कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल एंड प्रोसेसिंग, तो ये भी क्विज में आ सकता है। नेक्स्ट जो है 2003 में एक रिपोर्ट शायद वो जिसमें जो ह्यूमन जो है वो 25% हायर स्पीड से जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और 2050 तक वो ट्वाइस हो जाएगा इसका जो स्पीड है यूज़ करने की रिसोर्सेज को, तो ये क्विज में आ सकता है। आगे जो है पर कैपिटा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो उसकी डेफिनेशन है, एवरेज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए गिवन कंट्री और एरिया। उसके बाद यानी एक कंट्री में एवरेज कितना जो है वो उसमें रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। और इकोलॉजिकल डेफिसिट क्या होता है, कि एक कंट्री जो है उसके रिसोर्सेज तो जितने हैं उससे वो ज़्यादा उसको यूज़ कर रही है स्पीड से, कि वो उसके रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी है, इसमें यहाँ से क्विज आएगा, इकोलॉजी वर्ड जो है ये किसने बनाया और कब बनाया, 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी जो है उसमें स्पीशीज पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम, ये हम आगे पढ़ेंगे और सब फील्ड्स इसके ये हैं। तो इकोसिस्टम जो है ये 1935 में ट्रांसले ने बनाया था, इस टर्म को यूज़ किया था, ये क्विज में आया हुआ था पास्ट पेपर में।
उसके बाद इकोसिस्टम क्या है जी, कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इसके अंदर हमारे पास एक नेचुरल या आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ये दो टाइप्स इसकी होती है इकोसिस्टम की, नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन क्रिएटेड। तो आर्टिफिशियल के अंदर क्रॉप्स, ट्री फार्म्स और रिजर्वायर्स आ सकते हैं कुछ के अंदर। उसके बाद इकोसिस्टम जो है ये इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो ये इकोलॉजी का यूनिट है। आगे आ गया हमारे पास टू मेजर कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के, वो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक है। तो बायोटिक जो होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर आते हैं, और एबायोटिक में हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास फिजिकल और केमिकल दो कंपोनेंट आते हैं। तो ये भी क्विज में आएगा। उसके बाद जी हमारे पास अगला टॉपिक है हाउ लिविंग सिस्टम्स आर सस्टेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज आर इकोसिस्टम चेंजेस ड्यू टू, जो कम्युनिटी है और इकोसिस्टम है वो कैसे चेंज हो रहे हैं ड्यू टू कॉन्टिनेंट मूवमेंट, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिस्टर्बेंसेज और सक्सेशन। तो ये भी क्विज में आ सकता है। उसके बाद आगे अगर हम आए तो लिविंग सिस्टम जो है वो कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक लूप्स का, ये क्विज में आएगा। पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या होता है, सिस्टम कॉजेज ए सिस्टम टू चेंज फर्दर इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज मूविंग, कि सिस्टम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में मूव करता रहे। फॉर एग्जांपल के वेजिटेशन जो है वो रिमूव की गई है, ठीक है, तो किसी वैली से जो है प्लांट को रिमूव किया गया, तो पानी आएगा, बारिश आएगी, तो वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को बहाकर ले जाएगी और उसके नतीजे में जो और वेजिटेशन है वो कम होती जाएगी, लेस होती जाएगी, तो उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव में क्या होता है जी, सिस्टम जो है वो चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज़ मूविंग, जिस तरह थर्मोस्टेट की एग्जांपल दी है। थर्मोस्टेट जो है जब वो एक स्पेसिफिक, ये जो हमारी आयरन है इस्त्री है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, तो एक स्पेसिफिक जब वो एनर्जी पर पहुंचता है तो वो रोक ऑफ कर देता है उसको आयरन को, और वापस वो ठंडा होने शुरू हो जाती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है। उसके बाद आगे हमारे पास दो एस्पेक्ट्स आ गए स्टेबिलिटी के, इनर्शिया और रेजिलियंस या परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस। तो परसिस्टेंस क्या होता है, टू सर्वाइव इन कंडीशन ऑफ मॉडरेट डिस्टर्बेंसेज, कि थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है तो ग्रीन लैंड जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन रिजिलियंस क्या है, एबिलिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू बी रिस्टोर्ड थ्रू सेकेंडरी सक्सेशन, कि वो रिस्टोर्ड हो गए दोबारा जो है वो उसमें परसिस्टेंस में वो सर्वाइव कर जाता है और रिजिलियंस में वो रिस्टोर करता है, दोबारा ग्रो कर जाता है। आगे सेल हमारे पास है, यूनिट ऑफ लाइफ है इसकी, और सेल से हमारे पास क्या बनता है जी, सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो है दो टाइप्स होती हैं इसकी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास आते हैं जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूकैरियोट्स में बोथ आते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी। और एक और चीज़, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें लैग करती है न्यूक्लियस, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी होता है वो मौजूद होता है, तो ये भी क्विज में आ सकता है। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है स्पीशीज, तो ग्रुप ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये होता है ग्रुप जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं आपस में मेटिंग करके, तो इसलिए उनको स्पीशीज कहते हैं। और स्पीशीज जो है ये पॉपुलेशन का लार्जेस्ट यूनिट है, तो ये भी क्विज में आ सकता है यहाँ पर। और आगे अगर देखें तो फोर बेसिक कंसेप्ट हैं स्पीशीज के जो कि बायो में पढ़ाए जाते हैं। एक है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, इकोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट। तो पहला है बायोलॉजिकल कंसेप्ट, इसमें क्या होता है जी, स्पीशीज को डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरब्रीडिंग पोटेंशियल, यानी वो एक दूसरे से ब्रीड कर सकें, तो नॉट ऑन सिमिलैरिटी आर अपीयरेंसेज। तो यहाँ पर वेस्टर्न मिडल आर्क है और एक ईस्टर्न मिडल आर्क है, ये दोनों सिमिलर, एक दूसरे देखने में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग नहीं करती, क्योंकि इनकी जो है वो सॉन्ग जो है मुख्तलिफ है, यानी इनकी जो आवाज़ है मुख्तलिफ होती है। तो इस बुनियाद पर इसको जो है वो एक स्पीशी में दोनों को अलग अलग तकसीम किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट। आगे आगे इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इसमें क्या किया जाता है जी, डिफाइन स्पीशीज इन टर्म ऑफ इट्स इकोलॉजिकल नीश, तो उसमें स्पीशीज को उनकी इकोलॉजिकल नीश की बुनियाद पर डिफाइन किया जाता है। जिस तरह ये दो वहाँ पर फ्लावर हैं, देखने में एक जैसे हैं लेकिन रहते भी एक ही एरिया में हैं, ये बनते भी एक ही एरिया में उगते हैं, एक जो है वो लिव इन बेसिक सॉइल और दूसरा जो है एसिडिक सॉइल में रहता है। इस बुनियाद पर इसको जो है वो
एक डिफरेंट स्पीशीज में डिवाइड किए गए। आगे आते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, इसमें उनकी स्ट्रक्चरल फीचर की बुनियाद पर जो है वो डिफाइन किया जाता है स्पीशीज को। नेक्स्ट हमारे पास है फाइलोजेनेटिक्स, इसमें जो है उस क्या कि स्पीशीज को डिफाइन किया जाता है एज द स्मॉलेस्ट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑन ए फाइलोजेनेटिक ट्री। तो ये उसकी जिस तरह एलिफेंट्स की फाइलोजेनेटिक्स ट्री दी गई है और इनको डिफरेंट स्पीशीज में डिवाइड किया गया है। आगे आता है हमारे पास स्पीशीज के बाद पॉपुलेशन, तो ए ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो तीन चीज़ें इसमें, सेम स्पीशीज, सेम प्लेस और सेम टाइम, तो ये भी क्विज में आ सकता है। आगे जो है स्पीशीज जो है उनकी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होती है जी, पॉपुलेशन साइज हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है, और ये इंक्रीज कैसे करती है, उसमें अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म बॉर्न हुआ है या रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो उनकी ज़्यादा है, अच्छी है, वेदर अच्छा होता है, इसी तरह मेडिसिन या इसमें कोई प्रीडेटर वहाँ पर मौजूद ना हो, तो ये जो है पॉपुलेशन वहाँ पर इंक्रीज अच्छी तरह करती है। और डिक्रीज कब करती है, जब ऑर्गेनिज्म डाई कर जाए या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीडेटर मौजूद हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, या वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेट कर जाए। तो प्रीडेटर क्या होता है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल बात करते हैं चिड़िया की, तो उसके लिए जो प्रीडेटर है वो है उकाब है जो उसको खा जाता है। आगे हमारे पास आगे जी फिजिकल लिमिट्स भी होती हैं इसकी, दूसरी जो एक करेक्टरिस्टिक है इसकी पॉपुलेशन की, कि अगर टू हॉट है वेदर वहाँ पर, टू कोल्ड है या टू डेंजरस है, तो इस तरह भी पॉपुलेशन डिक्रीज कर सकती है। इस तरह जियोग्राफिक लिमिट्स है वो भी पॉपुलेशन के इन डिक्रीज होने का सबब हो सकती है। आगे आता है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी जो होती है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी जो पॉपुलेशन का ग्रुप है उसमें डिफरेंट स्पीशीज है और वो एक खास एरिया में रह रही हैं, तो उनको कहते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी के अंदर बहुत सी पॉपुलेशन हो सकती है, मैनी पॉपुलेशन, और डिफरेंट हो सकती हैं। तो कम्युनिटी जो है वो उसकी असेंबली कैसे की जाती है, तो यहाँ पर स्पीशीज दैट असेंबल टू मेक अप ए कम्युनिटी आर डिटरमाइंड बाय थ्री थिंग्स, वन इज डिस्पर्सल कंस्ट्रेंट, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट और इंटरनल डायनामिक्स। तो ये तीनों इस डायग्राम में दिए गए हैं, अब इनको नीचे जरा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप अमंग फाइव टाइप्स ऑफ स्पीशीज पूल, उसमें पहला है टोटल पूल ऑफ स्पीशीज इन ए रीजन, कि कितनी जो स्पीशीज एक रीजन में मौजूद है। जियोग्राफिक पूल्स, स्पीशीज एबल टू अराइव एट ए साइट। उसके बाद हैबिटेट पूल, और थर्ड है हमारे पास फोर्थ इकोलॉजिकल पूल, और फिफ्थ है जी कम्युनिटी। आगे आ गया इकोलॉजिकल नीश, क्या होता है हमारे पास, तो इकोलॉजिकल नीश इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल इकोलॉजी की बात करें तो वो होता है जी ईच स्पीशीज हैज़ ए डिस्टिंक्ट रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। तो इकोलॉजिकल नीश की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है जी, रोल दैट स्पीशी प्ले। आगे नीश इज सिंपली ए पैटर्न ऑफ लिविंग स्पीशी, तो ये भी क्विज में आ सकता है। टिपिकल नीश जो है वो हमारे पास तीन बुनियाद पर डिस्क्राइब किए जाते हैं, एक हैबिटेट, एक्टिविटी पैटर्न और रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जनरल स्पीशीज के आगे टाइप आ गई, जनरलिस्ट स्पीशीज पहले आ गई हमारे पास, स्पीशीज दैट हैव ब्रॉड रेंज ऑफ नीश आर नोन एज जनरलिस्ट स्पीशीज। यानी अगर हम देखें तो नीश क्या है जी, हैबिटेट है, एक्टिविटी पैटर्न है और रिसोर्स है। तो इन जो स्पीशीज हैं ये जनरलिस्ट स्पीशीज, इनके कोई भी हैबिटेट में रह सकती हैं और कोई भी रिसोर्स जो है वो यूज़ कर सकती हैं खाने के लिए, और एक्टिविटी पैटर्न जो है इनका वो भी कोई भी हो सकता है। तो उसमें हम बात करें फ्लाइज की जो घरों में मौजूद होती हैं, काकरोचेस की, तो ये जनरलिस्ट स्पीशीज में आते हैं। और सबसे जो पुराना जो हमारे पास जनरलिस्ट स्पीशी है वो काकरोच है, इनको नेचुरल नेचर्स अल्टीमेट सर्वाइवर भी कहते हैं। और ये जो है 350 मिलियन ईयर से ज़मीन पर रह रहे हैं, ये भी क्विज में आ सकता है। और देयर आर 3500 काकरोच स्पीशीज, तो काकरोच की 3500 स्पीशीज मौजूद है, ये भी क्विज में आ सकता है। और कुछ ऐसी जो हैं जो फूड के बिना एक मंथ तक जिंदा रह सकती हैं, इसी तरह कुछ जो है वो 48 घंटे तक उनको अगर फ्रीज भी कर दिया जाए तो फिर भी वो जिंदा रह सकती हैं। तो इसलिए दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव रेट्स, तो जनरलिस्ट जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव रेट भी बहुत हाई होता है।
जिस तरह एक सिंगल एशियन काकरोच जो है वो 10 मिलियन जो है न्यू काकरोचेस जो है वो ऐड करता है एक साल के अंदर, और अबाउट 25 स्पीशीज ऑफ काकरोचेज लिव इन होम, तो घरों में 25 स्पीशीज रहती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्विज आपके बनेंगे इसके काकरोच वाला जो टॉपिक है ये। आगे आ गया स्पेशलिस्ट स्पीशीज, तो ये ऑक्यूपाई नैरो रेंज ऑफ निश, तो निशेज जो है ये नैरो रेंज होती है इनकी, यानी ये एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं, स्पेसिफिक फूड खाते हैं और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, जो कि हमारी निश के तीन जो है वो कंडीशन है। आगे दे आर मोर प्रोन टू एक्सटेंशन, तो ये भी क्विज में आ सकता है कि इनके एक्सटेंट होने का, इनके ख़त्म होने का खतरा रहता है। जिस तरह टाइगर सिलेमेंडर की बात करें तो ये उस पॉन्ड में रहती है जहाँ पर फिशेज ना हो, क्योंकि ये इसका लार्वा जो है वो फिशेज खा जाती हैं, तो ये स्पेशलिस्ट स्पीशीज के अंदर आती है। इसी तरह शोर बर्ड्स हो गए, तो दिस स्पेशलाइजेशन रिड्यूसेस कंपटीशन एंड अलाउ शेयरिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इसका एक फ़ायदा भी है कि इससे कंपटीशन जो है स्पेशलिस्ट स्पीशीज जो है वो कम करती हैं और शेयरिंग रिसोर्सेज जो है वो अलाउ करती हैं उनको शेयर करने में। आगे आ गया इज इट बेटर टू बी ए जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, तो ये जर्नलिस्ट स्पीशीज अच्छी है या स्पेशलिस्ट, तो ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पर, कि अगर कंडीशन तो फेयरली कांस्टेंट है तो फिर तो है जर्नलिस्ट स्पीशीज जो है, स्पेशलिस्ट स्पीशीज जो है उसको एडवांटेजेस है, लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो रही है तो फिर जर्नलिस्ट स्पीशीज जो है वो बेटर है, वहाँ पर बेटर ग्रो करेंगी। एग्जाम्पल यहाँ पर है चाइनाज जाइंट पैंडा जो है वो इंडेंजर, हाईली इंडेंजर है, इस वक्त तकरीबन 500 के करीब रह गए हैं दुनिया में, तो वो कौन से स्पेशलिस्ट स्पीशीज के अंदर आते हैं। आगे अगर नेटिव स्पीशीज नॉर्मली लिव एंड थ्राइव इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स सॉइल आइसोलेशन, तो वो नेटिव है वहाँ पर, उसकी सॉइल की वजह से वहाँ पर रह रहे होते हैं। अगर नेचुरली विद इन ए नेचर रीजन, तो नेचुरली उस रीजन में वो मौजूद होते हैं, और इसकी दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, एंडेमिक स्पीशीज फाउंड विद इन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया के खास हिस्से में पाए जाते हैं, जिस तरह ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन है ये पाकिस्तान में इंडस रिवर में पाई जाती है, रेड कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसी तरह कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो ये एंडेमिक स्पीशीज में आ जाते हैं। आगे इंडिजियस स्पीशीज की बात करें तो फाउंड विद इन द रीजन एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, वो खास रीजन में भी होते हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी वो पाए जाते हैं, जिस तरह स्नो लेपर्ड हो गया। तो ये आते हैं जी नेटिव स्पीशीज, तो ये कुछ पाकिस्तान में भी नेटिवली मौजूद है, नेपाल के अंदर, इंडिया के अंदर, तो बहुत सी जगहों पर ये मौजूद है। आगे अगर नॉन नेटिव स्पीशीज, ये डेलिब्रेटली और एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इकोसिस्टम के अंदर, इनको नॉन नेटिव भी कहते हैं, और इनका तीन नाम और भी हैं, इन्वेसिव, एलियन और एक्जॉटिक स्पीशीज। तो ये जो है समटाइम ये ओकेजनली सक्सेसफुल होते हैं बाज़ुकात, और बाज़ुकात ये होते हैं कि ये स्पीशीज लॉस का सबब भी बनता है, ये नॉन नेटिव जो स्पीशीज को डेलिब्रेटली लेक इंट्रोड्यूस करना किसी एनवायरनमेंट के अंदर। और आगे हम देखें यहाँ पर, तो नॉन नेटिव स्पीशीज जो है दे हैव पोटेंशियल टू काज इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल हार्म टू ह्यूमन आर टर्म एज इन्वेसिव स्पीशीज, तो ऐसी स्पीशीज को इन्वेसिव स्पीशीज कहते हैं जो कि ह्यूमन को और एनवायरमेंट को हार्म पहुँचा सकती हैं। कैसे जी? मोस्ट इंट्रोड्यूस एंड डोमेस्टिक स्पीशीज जो है कुछ तो हैं वो हमें फ़ायदा देती हैं, जिस तरह क्रॉप्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जैसे चिकन, कैटल वगैरह, तो ये हमें बहुत फ़ायदा देती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज हमें नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। उसके एग्जाम्पल है 1957 में ब्राज़ील के अंदर अफ्रीकन बीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई कि ताकि ज़्यादा हनी पैदा हो सके, लेकिन उन बीज ने क्या किया, डोमेस्टिक बीज को वो खा गई और उससे हनी की सप्लाई जो है और रिड्यूस हो गई, तो ये इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इम्पेक्ट ऑफ नॉन स्पीशीज जो है ये स्प्रेड रेपिडली, बहुत जल्दी ये इंक्रीज कर जाती हैं बाज़ुकात, और ऑफन डू नॉट फेस प्रीडेटर, तो इनको बाज़ुकात प्रीडेटर का जो है फेस करना भी नहीं पड़ता, इसलिए वो ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, और काजेज हैबिटेट लॉस एंड इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, तो इससे इकोसिस्टम की डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। आगे हम चलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज, ये खास टाइप और है इसमें, तो प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑफ डैमेज, तो ये जो स्पीशीज हैं ये डैमेज की जो है वार्निंग भी इससे पता चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल ट्राउट स्पीशीज की बात करें तो ये क्लीन वाटर में रहती हैं और खास टेम्परेचर पर रहती हैं, तो अगर वहाँ पर वाटर जो है वो गंदा हो जाए, उस टेम्परेचर जो है उसमें ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो ये उस जगह से चली जाती हैं, तो उसमें पता चल जाता है, वार्निंग मिलती है कि ये पानी जो है उसमें कुछ और केमिकल वगैरह मिल गए हैं।
आगे कुछ बर्ड्स होते हैं, इसी तरह बटरफ्लाई जो है वो भी गुड इंडिकेटर है, स्पीशीज में आती हैं, क्योंकि अगर कुछ खास इलाके में वो जो फ्लावर है और वो प्लांट है वो ख़त्म हो जाए तो ये उसके नतीजे में बटरफ्लाई जो है वहाँ से चली जाएंगी, तो ये इंडिकेशन है इन्वायरमेंटल चेंज की। और फिर आगे अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक एग्जांपल दी हुई है 1900 में जो है कोल माइनर जो थे वो उन्होंने क्या किया, कनेरी एक खास सॉन्ग बर्ड है उसको उन्होंने माइंस के अंदर लेकर गए टू डिटेक्ट अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो ये कुछ में आ सकता है, तो ये जो बर्ड है अब ये डिस्ट्रेस हो तो ये सॉन्ग जो है वो नहीं पढ़ सॉन्ग जो है वो नहीं गाता, तो उस लिए क्या है जी वहाँ पर उसकी वजह क्या हो सकती थी कि पॉइजनस और एक्सप्लोसिव गैसेस जो हैं वो माइंस के अंदर जो है गारों के अंदर वहाँ पर जब गैसेस होती हैं तो ये जो है गाना गाना बंद कर देते हैं, तो उससे उन्हें वार्निंग मिल जाती है कि आगे नहीं जाना। इस तरह कुछ एम्फीबियन भी इसमें आती हैं, फ्रॉग्स, टोड्स और सेलेमेंडर वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है कीस्टोन स्पीशीज, ये प्ले ए की एंड क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये जो है मेंटेन करने में जो है अहम किरदार अदा करती हैं स्ट्रक्चर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर। अब दे आर कॉल्ड की स्टोन स्पीशीज बिकॉज दे हैव लार्ज इफेक्ट ऑन टाइप एंड अबंडेंस ऑफ अदर स्पीशीज, तो इनका दूसरी स्पीशीज पर इफेक्ट पड़ता है। अब दे प्ले सेवरल क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग सस्टेन एन इकोसिस्टम, कैसे जी कि वन सच रोल इज पोलिनेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज बाय बीज, बटरफ्लाइज, हमिंग बर्ड्स, बैट्स एंड अदर स्पीशीज। तो जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो फीड ऑन पोनल पोलन इन ए फ्लावर, वो फ्लावर के अंदर पोलन को खाती है, एंड अदर इंसेक्ट जो है पोलिनेट करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्या हो रहा है जी कि ये जो हमारे पास कीस्टोन स्पीशीज है कि ये एक दूसरे को फायदा कर रही है, इकोसिस्टम में ये हेल्प कर रही है स्ट्रक्चर मेंटेन करने में। किस तरह कि एक जो हमारे पास क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म है वो पोलन जो है वो पहुंचा रहा है वहाँ पर फ्लावर पर, दूसरा वहाँ से उसको यूज़ कर रहा है। तो ये इसके एग्जांपल है, एलिगेटर हो गए, वुल्फ हो गए, लीपर्ड लाइन, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। शार्क भी हैं, की स्टोन स्पीशीज में आती हैं क्योंकि ये इंजर्ड जो सिक एनिमल होती हैं ओशन से उनको खा जाती है, रिमूव कर देती हैं, दस प्ले इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रोल। आगे 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 जी लॉस ऑफ की स्टोन जो स्पीशीज है कैन लीड टू पॉपुलेशन क्रैशेज और एक्सटेंशन, तो ये भी क्विज में आ सकता है कि कीस्टोन स्पीशीज का अगर लॉस हो जाए तो उसका क्या नुकसान होगा। आगे आखिरी हमारे पास शायद है ये फाउंडेशन स्पीशीज, तो प्ले ए मेजर रोल इन शेपिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इनहेंस द हैबिटेट्स इन वे दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स टू अदर स्पीशीज, तो ये हैबिटेट को इनहेंस करती हैं जिससे अदर स्पीशीज को फ़ायदा होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है जी फाउंडेशन और कीस्टोन में, तो फाउंडेशन जो है क्रिएट और प्रोवाइड ए फाउंडेशन ऑफ इकोसिस्टम, और कीस्टोन जो है ये रेगुलेट करती है और मेंटेन करती है इकोसिस्टम को, तो ये भी क्विज में आ सकता है। आगे आगे हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो ग्राफिकल रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स और लेवल्स इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड, तो यहाँ से भी क्विज आएगा। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है जी, डिफरेंट फीडिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनको हम कहते हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। तो तीन मेन टाइप्स हैं इसकी इकोलॉजिकल पिरामिड की, एक है पिरामिड ऑफ नंबर, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। मोर नंबर एट बेसिस, तो बेसिस पे ज़्यादा जो है वो इंडिविजुअल मौजूद होंगे, ऊपर जो जो जाएंगे तो कम होते जाएंगे वो, इसको कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। आगे है पिरामिड ऑफ बायोमास, तो मास ऑफ लिविंग मैटर्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हाई बायोमास एट बेस, तो बेस में देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो ग्रास है वो उसकी बायोमास बहुत ज़्यादा है, ऊपर फिर चलते जाएंगे तो कम होती जाएगी। उसके बाद आ गया पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ईच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, तो यहाँ पर देखें हम तो 10,000 किलो कैलोरी जो है ग्रास वगैरह या प्लांट मौजूद है, ऊपर जो चलते जाते हैं तो ये कैलोरीज जो है वो कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फूड पिरामिड में, एनर्जी सपोर्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, तो फूड पिरामिड क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है फ्लो ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी जो है ये नीचे से ऊपर फ्लो कर रही है। तो फूड पिरामिड में क्या है जी, दो मेन चीज़ें हैं, प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, अगर ये आप ऊपर देखें
तो प्रोड्यूसर में हमारे पास ये प्लांट्स आते हैं, कंज्यूमर में हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी कंज्यूमर है और आगे आ गया क्वार्शनरी कंज्यूमर है। तो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट अगला टॉपिक जो है, एक्चुअल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट और एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर एक टर्म है टॉलरेंस रेंज, तो क्विज में यह आएगा एनिमल ऑलवेज लिव विद इन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज, ये सर्टन रेंज ऑफ वैल्यू विच इज कॉल्ड टॉलरेंस रेंज। आगे सीज क्या होता है जी, एट इधर लिमिट ऑफ टॉलरेंस रेंज वन और मोर एसेंशियल फंक्शन सीज, ए सर्टन रेंज ऑफ वैल्यू विद इन टॉलरेंस रेंज आर कॉल्ड रेंज ऑफ ऑप्टिमम। ये क्विज में देखें तो यहाँ पर जो है रेंज ऑफ ऑप्टिमम है और इधर इन साइड पर जो है कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो सीज कर जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। आगे रेंज ऑफ ऑप्टिमम डिफाइंस द कंडीशन एट विच ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट सक्सेसफुल, तो ये जो है रेंज ऑफ ऑप्टिमम इस पे ऑर्गेनिज्म जो है मोस्ट सक्सेसफुली जो है वो रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर क्या है जी, एबायोटिक फैक्टर बिकम आउट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टॉलरेंस रेंज, जब वो फैक्टर उसकी टॉलरेंस रेंज से बाहर चला जाता है तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। आगे आता है टैक्सिस, रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टूवर्ड एनी एबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड टैक्सिस, फॉर एग्जाम्पल फोटोटैक्सिस क्या है जी, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लाइट। आगे फूड चेन आती है हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी मूव्स, प्लांट से इंसेक्ट की तरफ फिर फ्रॉग की तरफ और आगे फिर हॉग खाता है और ये जब मरता है तो फिर वापस डिग्रेड होकर इसके अंदर चला जाता है सॉइल के अंदर, तो इसमें डिकम्पोजर भी आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है जी, फूड चेन डिटरमाइंस हाउ केमिकल एनर्जी एंड नाइट्रेट मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। आगे फूड वेब क्या होती है, कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड नेटवर्क। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल, तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है जी, यहाँ पर हम देखें तो बिकॉज फूड वेब आर कम्प्लेक्स सो इट इज इजी टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज, दिस ग्रुपिंग आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो उसमें हमारे पास आता है जी प्रोड्यूसर आते हैं जिनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और ये जो है अपने लिए खुद प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास सेकंड पे कंज्यूमर जिनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और इसमें हमारे पास पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स होते हैं और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो कि इन हर्बीवोर्स को खाते हैं जिनको कार्निवोर्स कहते हैं। आगे हम चलें तो कंज्यूमर आर आल्सो इंक्लूड स्कैवेंजर्स, उसमें स्कैवेंजर्स भी होते हैं दैट फीड्स ऑन लार्ज चंक्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि मुर्दा चीज़ों को खाते हैं उनको स्कैवेंजर कहते हैं हम। आगे अगर डिकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं, यहाँ सिर्फ क्विज आएगा। प्रोड्यूसर क्या होते हैं जी, ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं और सेल्फ फीडर भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने लिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनर्जी पैदा खुद करते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आगे टू टाइप्स जो है इसकी प्रोड्यूसर की हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो में हमारे पास आता है कैप्चर सनलाइट टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्विज में आएगा। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू मोर कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट कंपाउंड बाय यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये भी क्विज में आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड इधर है उधर कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ्स, तो इसमें टेरेस्ट्रियल फोटो ऑटोट्रॉफ्स आती हैं, ये कैप्चर अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी, तो इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं और ये सेल्फ सपोर्टिव प्लांट्स होते हैं, ये कुछ में आएगा टेरेस्ट्रियल प्रोड्यूसर में। नेक्स्ट जो है हमारे पास देखें तो यहाँ पर इकोसिस्टम में तीनों टाइप दिए हैं, टेरेस्ट्रियल है जो कि प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक हैं जो कि पानी में रहते हैं जिसमें एल्गी है हमारे पास, और एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल है जो दोनों में रह सकते हैं जिस तरह बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है एक्वेटिक प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चर फूड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जिस तरह इन फ्रेश वाटर है एंड मैरीन इकोसिस्टम है उसमें एल्गी है और एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और ओपन वाटर में भी कुछ हो सकते हैं जिस तरह यहाँ पर है जी हमारे पास डोमिनेंट प्रोड्यूसर आर फिटोप्लैंकटन, और फाइटोप्लैंकटन में हमारे पास फाइटोप्लैंकटन जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फ्लोट और ड्रिफ्ट इन वाटर, तो ये भी क्विज में आएगा, जो कि ड्रिफ्ट वाटर पर फ्लोट करते हैं ड्रिफ्ट करते हैं और आर ग्रेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एक्वेटिक
क्रिएचर, तो पानी के अंदर जो क्रिएचर आते हैं उनके लिए ये सोर्स ऑफ फूड्स हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है डाई एटम्स और एक है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डाई एटम्स में यूनिसेलुलर एल्गी आ गई हमारे पास, जिस तरह ये है उसके पास शेल्स हैविंग इंटरलॉकिंग पार्ट्स और मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एन एक्वेटिक सिस्टम है। और डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी यूनिसेलुलर होते हैं, डबल फ्लैजेला इनके अंदर होता है और सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है डाई एटम्स के बाद। तो इनकी वजह से कुछ नुकसान भी हैं कि इसमें एक यूट्रोफिकेशन होती है टर्म, टू मच न्यूट्रिएंट्स कॉजिंग हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, जिसको हम HABS कहते हैं, हर्ब्स। तो ये क्विज में आएगा हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, ये टू मच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं फॉर लिविंग क्रिएचर लाइक फिश। जिस तरह ये आप पिक्चर में देखें तो ये एल्गल ब्लूम्स, यहाँ पर जो है ग्रीन कलर का एल्गी है नज़र आ रही है आपको, ये पानी में बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस वजह से फिश जो है वो क्या हो जाती है, डाई कर जाती है, मर जाते हैं। आगे रेड टाइड भी इसकी एक नुकसान है, हार्मफुल टॉक्सिक ब्लूम्स ऑफ रेड कॉजेज कलर ऑफ सी वाटर टू बिकम रेड, इससे सी वाटर जो है वो भी रेड हो जाता है। और उसकी वजह क्या है जी, यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ तक जो है 46 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।